आज की बड़ी और बेहद ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की देर रात निधन हो गया। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के NCPA लॉन ले जाया गया और आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा का देश के प्रति बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उनका सम्मान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। रतन टाटा के निधन के बाद कई राज्यों में राजकीय शोक भी घोषित किया गया। वहीं उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के और विदेश की कई बड़ी हस्तियों और आम लोगों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और वहीं कुछ प्रदेशों में राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर और दुखद खबर आपको बता रहे हैं कि 86 साल की उम्र में देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है।